के वार्ड 37 में पुनर्निर्माण करने हेतु तोड़े गए लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर पालकों ने अपने बच्चों के साथ पहुंचकर कलेक्ट्रेट में गुहार लगाई और ज्ञापन सौंपा। पालक सहित जनप्रतिनिधि इस दौरान शामिल रहे। स्कूल की बदहाली के बाद नवनिर्मित स्कूल में अध्ययन करने के इंतजार में स्कूल के बच्चे और पालकों का धैर्य टूट गया। अपने बच्चों को सड़क पार करते वक्त कई बार छात्रों के साथ दुर्घटनाएं घट चुकी है और भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना के भय से आक्रोशित पालकों ने वार्ड के पार्षद और पालक संघ के नेतृत्व में गुहार दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से लगाई। इस दौरान स्कूल ड्रेस में पहुंचे बच्चों ने अपनी उपस्थिति देकर शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग की। बता दें, दुर्ग शहर के वार्ड 37 में स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय विद्यालय की बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर पुनः निर्माण करने हेतु कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम दुर्ग के द्वारा तोड़ा गया था और विद्यालय के बिल्डिंग का पुनर्निर्माण करवाने नियमतः टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया, लेकिन अज्ञात कारणों से विद्यालय का पुनः निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसमें इस कार्य के जिम्मेदार अधिकारियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता और लापरवाही साफ नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, पुनर्निर्माण हेतु प्रतीक्षारत लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का लाभ वार्ड 37 के अलावा वार्ड 35, 36 और 38 में निवासरत अभिभावकों के बच्चों को मिलता था, लेकिन अब विद्यालय को तोड़ने के पश्चात उक्त विद्यालय के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय विद्यालय में स्थायी रूप से अलग से 2 कमरों में शिक्षण कार्य सम्पन्न करवाया जा रहा है। इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद श्रद्धा सोनी और पालक संघ की जिला अध्यक्ष संध्या, उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मैं वार्ड नंबर 37 की पार्षद हूँ। मेरे कार्यकाल के पूर्व, जिनका कार्यकाल था 2016-17 में, इस स्कूल का जो मतलब स्कूल जो तोड़ा गया था, उस समय वो स्कूल इतनी जर्जर स्थिति में थी नहीं, फिर भी उसको तोड़ा गया ये बोल के कि यहाँ पुनः नया भवन निर्मित किया जाएगा स्कूल के लिए। 2016-17 में उसका वर्क ऑर्डर हुआ, टेंडर हुआ, पूरे निगम प्रशासन, सामान्य सभा सब में इसका स्वीकृति हो के फिर यह आगे बढ़ा और इसको तोड़ा गया डिसमेंटल करके कि नया भवन निर्माण करके दिया जाएगा। उस वक्त वहाँ पे लगभग 200 या 250 बच्चे थे, अधीनस्थ थे 250 बच्चे, और अभी जैसे कि रोड क्रॉस करके बच्चे जाते हैं, 3 किलोमीटर दूर है वहाँ से स्कूल, जी रोड के चलते वहाँ पे दुर्घटना भी हुआ है, नवभारत प्रेस में भी आया था, लगभग लगातार बहुत सारे न्यूज़ में आता रहता है स्कूल के लिए। मैं जब परिषद में आई, मैंने सामान्य सभा में भी मुद्दा उठाया, कलेक्टर महोदय को भी लेटर दिया, जब भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था पूर्व मुख्यमंत्री जी का, वहाँ भी उन्होंने घोषणा करके गया था कि यह स्कूल का भवन निर्माण करके देंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। अभी तक न्यू तो बनाए, लेकिन उन्होंने ये बोला कि पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद स्कूल बनाएंगे। पूरे वार्ड की मांग है कि वहाँ के सिर्फ और सिर्फ स्कूल रहे, क्योंकि वह स्कूल 50 वर्ष पुराना है। मेरे पापा खुद उस स्कूल में पढ़ के निकले हैं, तो पूरे मोहल्ले वाले की मांग है कि वहाँ पे स्कूल बने। वार्ड 37 में एक स्कूल था लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे, वो स्कूल लगभग 50 वर्षों था, 50 वर्षों से बना हुआ था। वहाँ बच्चे कम से कम 4 से 5 वार्ड के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, तो अचानक से उसको जर्जर बता के उसको तोड़ दिया गया। अच्छा, तोड़ा गया, फिर उसके पुनर्निर्माण के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि भी सेंक्शन की गई, वर्क ऑर्डर भी निकाला गया, वहाँ बनना कार्य करना कार्य भी शुरू हुआ, निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, उसके बाद अचानक से बंद कर क्यों कर दिया गया? उस पैसे का क्या किया गया? मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि उस स्कूल से 4 वार्ड के बच्चे शिक्षित होते थे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा उनके लिए खरीद नहीं पाते थे, उन बच्चों की पढ़ाई उन स्कूलों में होती थी, और उसके बाद उस स्कूल को बंद करके उनको 3 किलोमीटर दूर, वो भी मुख्य सड़क जो दुर्ग शहर की मुख्य सड़क है उसको पार करके 3 किलोमीटर दूर की स्थिति में स्कूल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से स्थित जो स्कूल है, उस स्कूल में उनको 2 कमरे अतिरिक्त दे दिए गए और उसमें उनका शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। मतलब इस तरीके से सरकारी स्कूलों की स्थिति जानबूझ के ऐसी बनाई जा रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों को फायदा हो। तो इसीलिए आज हम कलेक्टर महोदय से बात करने आए हैं,
और उनसे डिमांड करने आए हैं कि ये स्कूल जो उन चार पांच वार्डों की और खास करके दुर्ग शहर की जरूरत है, यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है, उसको तत्काल उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए और वहाँ पर जिस तरीके से बच्चे पहले शिक्षण कार्य कर रहे थे वैसे ही पूरा शिक्षण कार्य करवाया जाए। इसमें मुख्य रूप से नगर निगम पूर्ण रूप से दोषी है क्योंकि नगर निगम ने ही इसको तोड़ने की कार्रवाई की थी। अगर नगर निगम ने तोड़ने की कार्रवाई की, नगर निगम ने इसका टेंडर निकाला, नगर निगम ने वर्कआउट निकाला, तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती थी कि इसको पूरी तरीके से भवन को तैयार करवाया जाए और वहां से फिर से विद्यालय वहां पर शुरू करवाया जाए। लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी संदिग्ध है, उस पैसे का गोलमाल हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदरबाड़ जरूर हुआ है और इसकी भी पूरी तरीके से पालक संघ जांच करेगा। एक एक दस्तावेज इसके बारे में जो निकलेगा उसको नगर निगम से निकाला जाएगा। कुछ दस्तावेज हमने निकाले भी हैं, तो अभी तो हम फिलहाल कलेक्टर महोदय से जो मांग कर रहे हैं और इस पर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, इसमें हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चों के शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, स्कूल को खोला जाए, स्कूल का पुनर्निर्माण करवाया जाए और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न करवाया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।